नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपके MPPSC 2021 का सिलेबस पैटर्न एवं स्ट्रेटजी की जानकारी देंगे कि कैसे आपको इसकी तैयारी करना है। साथ ही साथ अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब सिर्फ 40 से 41 दिन ही बचे हैं, तो उनमें आप कैसे अपनी व्यवस्था तैयारी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ सिलेबस की संपूर्ण जानकारी और कैसे उसको आपको सॉर्ट आउट करना है इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो परीक्षा योजना में सर्वप्रथम आपकी राज्य से प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR शीट आधारित है, जिसमें आपके दो पेपर होंगे। एक तो होगा 200 नंबर का पेपर, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपका मेन पेपर प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा सामान्य अध्ययन का 2 घंटे का। दूसरा रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जो कि 2 घंटे का होगा, 200 अंक इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। और इसमें पैटर्न आपको पता है कि सर्वप्रथम प्री एग्जाम होता है, नवंबर के आसपास इसका मेंस होगा, जो कि आपके मेंस के 6 विषय होते हैं। इसके पश्चात आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि का भी होता है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होते हैं, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम आपको बता दें, एक राज्य वन सेवा का भी होता है। वन सेवा के लिए आपको दूसरे पेपर में भी सर्वाधिक नंबर चाहिए होते हैं, पहले पेपर में भी आपको क्लियर करना होता है, और आरक्षण अपने हिसाब से सबका डिसाइडेड है। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि आप अपनी PSC की तैयारी जो है, आप लूसेंट को इसका रामबाण माना जाता है, 30 से 35 प्रश्न हर बार लूसेंट में से भी पूछे जाते हैं, जो लूसेंट की बुक है सामान्य अध्ययन की। उसके पश्चात यदि आप MP क्लियर करना चाहते हैं तो एक महेश वर्णवाल की पुस्तक, उसे भी आप उसके द्वारा भी MP कंटेंट एकत्रित कर सकते हैं। MCQ उसके लिए उपकार की बुक भी है, और पुणेकर की बुक भी आप लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ MPPSC के प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे नोट्स भी हैं, यूनिट 7 में मानव शरीर संरचना विज्ञान एवं पर्यावरण एवं कृषि को उत्पाद तकनीक, यूनिट 9 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आदि के नोट्स भी, जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं। यूनिट 10 आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में सभी विषयों के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, तो इसमें से हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम यूनिट 1 जो है, हर यूनिट में से मिनिमम 10-10 नंबर, किसी में से 9 का भी पूछ लेते, किसी में से 8 का भी पूछ लेते हैं, आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश आदि का वर्णन इनमें से आपसे पूछा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएँ एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, बोलियाँ, मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में रहती हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, उनकी बोलियों से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। प्रदेश के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में कई धार्मिक एवं पर्यटन स्थल स्थित हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, इसकी PDF हमारे पास उपलब्ध है, मध्य प्रदेश के जो जो भी प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व हुए हैं, वह किस किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है, आदि आप हमारे PDF से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य सोर्स भी हैं जिनसे आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इनमें आपको बहुत डीपली जानने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि इनके बारे में बेसिक जानकारी भी रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य का वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद यूनिट 2 है भारत का इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं आपको भारत के इतिहास के अंतर्गत देखना है। 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, आदि प्रमुख जानकारियाँ आपको यहाँ पर एकत्रित करनी है। यूनिट 3 से आ जाते हैं, यहाँ से भी सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वन्य जीव के साथ साथ नदियाँ,
पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ जो है मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत पूछे जाती हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएँ, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग जो हैं आदि प्रमुख प्रश्न मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ, कूट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी नदी किस क्षेत्र से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है, किस जिले से प्रवाहित होती है, कहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो इनकी जानकारी भी आपको रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके लिए आप हमारी MPPSC मेंस की MP विशेष PDF भी ले सकती हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और किस क्षेत्र में कौन सा जलवायु है, मिट्टी आदि से प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रमुख विद्युत परियोजनाएं आदि पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 पर, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं सफारी आदि प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधी, जनसांख्यिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल में यदि पूछा जाए तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व की महाद्वीप, द्वेश, महासागर, नदियाँ, पर्वत आदि प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आदि भी भारत में प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो विदेश वगैरह के या विश्व स्तर के जो कूट वगैरह भी पूछे जाते हैं, जो कि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2020 में हमने देखा, तो वो भी इसी फील्ड से संबंधित पूछे जाते हैं यूनिट 4 से। इसके बाद यूनिट 5 को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों आप अपनी तैयारी यदि आप व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं तो आज की बात से और व्यवस्थित रूप से तैयारी कर दें, क्योंकि वक्त कम है, जीतना है, दम लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आपको जगाना है। आपको अपने अंदर के जो आपका उत्साह है और सपनों के प्रति जागरूकता है उनको जागृत करना है। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था जो कि इसका ए सेक्शन है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय आदि से संबंधित रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं एवं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो बी पार्ट है राज्य की अर्थव्यवस्था, तो उसमें मध्य प्रदेश की जनगणना एवं जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश की प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था जो कि यूनिट 6 है, इसमें भारतीय मतलब पॉलिटी से रिलेटिव रहता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 1935, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान आदि प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिट 7, विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख विज्ञान आदि। इनके नोट्स हमारे पास उपलब्ध है, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह के भी, और कृषि उत्पाद, तकनीक, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन सभी के नोट्स आप हमसे परचेस कर सकते हैं। तो यह यूनिट 7 कई के लिए डिफिकल्ट रहती है जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहता है, पर इसको आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद, तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन आदि से रिलेटेड प्रश्न यूनिट 7 में आपसे व्यवस्थित रूप से पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है यूनिट 8, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाएँ, या सीधे तौर पर कहें तो करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, MPG के समसामयिक एवं भारत का एवं विश्व का, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएँ, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएँ, खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार, तो इसमें खेल को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ पूरा करंट अफेयर्स आपसे यूनिट 8 से पूछा जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन और कभी कभी इससे ज़्यादा प्रश्न भी यूनिट 8 से पूछ लिए जाते हैं।
इसके बाद बात करते हैं यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स आदि से संबंधित प्रश्न, सभी की PDF हमारे पास उपलब्ध है। यह सभी यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट 10 जो है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संविधान एवं संवैधिक संस्थाएं, इसके नोट्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं और व्यवस्थित नोट्स हैं, और इसमें भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि प्रमुख रूप से रहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इस प्रकार से हमने सभी यूनिटों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब सिर्फ तैयारी की बात करनी है और आगे भी हम आपके स्ट्रेटजी संबंधी प्रमुख बातें बताते रहेंगे। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई। इसी प्रकार आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें तो आपको सही प्रमुख जानकारियाँ समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी एवं आप अपनी तैयारी व्यवस्थित रूप से करें, और जहाँ भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारे YouTube चैनल हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।